हेलो रिवान। सो इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास सिक्स सिविक्स का जो आपका चैप्टर नंबर 7 है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चेकआउट करने वाले हैं। ओके सो आपका इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड चाइल्ड गो टू यास्मीन्स हाउस। तो जो बच्चे थे वो यासमीन खाला के घर पे क्यों गए थे। चिल्ड्रन हैव ब्रोकन द स्ट्रीट लाइन एंड दे नो दैट यास्मीन खाला वर्क इन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट। दे वॉन्ट टू नो होम दे हैव टू पे फॉर दिस लाइट। अब बच्चे बैट बॉल खेल रहे थे तो खेलते खेलते गलती से उन्होंने जो स्ट्रीट की लाइट थी वो तोड़ दी थी, और वे यास्मीन खाला के घर इसलिए गए थे क्योंकि वे जानते थे यास्मीन खाला पहले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट में वर्क करती थी। वे यास्मीन खाला से ये पूछना चाहते थे कि अब इन्होंने लाइट तोड़ दिया, वो इस लाइट तोड़ने के पैसे ये लोग बच्चे किसको दें। तो दैट्स वाई दे गो टू यास्मीन खाला हाउस। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, आपको 4 वर्क लिखने हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के। आपको 4 वर्क बताने हैं जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करती है। फर्स्ट हो गया आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, पार्क्स एंड स्कूल, ये सारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का वर्क होता है। कलेक्टिंग एंड डिस्पोजिंग गार्बेज, जो गार्बेज होता है वो डिस्पोज और कलेक्ट करना, ये भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का वर्क है। मैनेजिंग ड्रेनेज सिस्टम, मतलब नालियाँ साफ रखना, ये सारा भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का वर्क है। विद दैट सप्लाइंग वाटर, कि हर इंसान को फूड और वाटर मिले, यहाँ पे आप फूड भी लिख सकते हैं, ये भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वर्क में ही आता है। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका, आपको म्यूनसिपल काउंसलर कौन होता है, म्यूनसिपल काउंसलर के बारे में बताना है। तो म्यूनसिपल काउंसलर जो होता है, प्लीज़ स्पेलिंग सही कर लीजिएगा यहाँ पे, म्यूनसिपल काउंसलर इज द वार्ड काउंसलर इलेक्टेड बाय वार्ड पीपल। म्यूनसिपल काउंसलर को हम वार्ड काउंसलर भी कहते हैं। जैसे हम जानते हैं जो स्टेट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जो होती हैं, स्टेट को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया जाता है और डिस्ट्रिक्ट को वार्ड्स में। तो हर एक वार्ड के जो मेंबर होते हैं वे अपना एक वार्ड काउंसलर चुनते हैं, जिसको हम म्यूनसिपल काउंसलर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंगाबाई ने क्या करा और क्यों किया, व्हाट डिड गंगाबाई डू एंड व्हाई। सो गंगाबाई ने एक प्रोटेस्ट किया था क्योंकि जो वर्स्ट कंडीशन चल रही थी सिटी में, बहुत सारी जगह कूड़ा था, ड्रेनेज सिस्टम वेल इक्विप्ड नहीं था, तो इस वजह से उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था। शी गो टू वार्ड काउंसलर एंड ऑल्सो डू अ ह्यूज कंपेन्स ऑफ एट म्यूनसिपल ऑफिस। वो वार्ड काउंसलर के पास भी गई और उन्होंने बहुत बड़े बड़े कंपेन्स प्रोटेस्ट भी करे थे। लास्ट क्वेश्चन आपका फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि है हाउ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अर्न मनी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पैसे कैसे कमाती है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पैसे 3 तरीके मेन होते हैं उसके, जिनसे वो पैसे कमाती है। पहला है बाय प्रॉपर्टी टैक्सेस, प्रॉपर्टी पे जो टैक्स होते हैं उनसे, फंड से, और टैक्सेस ऑन डिस्पेंसरीज, इन तीनों चीज़ों से कमाती है। साथ में उन्हें गवर्नमेंट भी पैसे देती है, ये सबसे मेन होता है, गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा पैसे देती है तो इस वजह से ज़्यादा मनी मिल जाती है। सो दिस इज़ ऑल, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।